फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड लेबर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योर और लेबर में क्या डिफरेंस होता है? तो पहला जो डिफरेंस है वो है नेचर ऑफ वर्क का। वर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर इज मेंटल। एंटरप्रेन्योर का जो काम होता है वो पूरी तरीके से मेंटल होता है, मतलब उनका पूरा दिमागी वर्क होता है, उनको पूरा अपना दिमाग लगाना होता है अपने काम में। लेकिन जो लेबर का वर्क होता है वो फिजिकल होता है। लेबर क्या करते हैं? फिजिकली मेहनत करते हैं, अपने बॉडी से मेहनत करते हैं। स्कोप, हिज स्कोप ऑफ वर्क इज वाइडर देन लेबरर, ही परफॉर्म ऑल द वर्क फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस टू सेल ऑफ प्रोडक्ट। जो एंटरप्रेन्योर का वर्क होता है वो ज़्यादा वाइडर होता है अगर आप लेबर के वर्क से कंपैरिजन करो तो। क्यों? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सारे वर्क को देखता है, बिजनेस स्टार्ट करने से लेके जब तक उसके प्रोडक्ट सेल ना हो जाए, जितना वर्क होता है उन सारे वर्क को एंटरप्रेन्योर देखता है। ही इज़ अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक वर्क, हिज स्कोप ऑफ वर्क इज़ लिमिटेड। लेकिन जो हमारे लेबर होते हैं उनको एक पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए हायर किया जाता है, जैसे उनको मैनेज करने के लिए हायर किया जाता है तो वो पर्टिकुलर किसी चीज़ का मैनेजमेंट करेंगे। अगर उनको प्रोडक्शन के लिए हायर किया जा रहा है तो वो केवल उन चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे। तो जो इनका स्कोप होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है आपका ओनरशिप। जो ही इज़ द ओनर ऑफ़ द बिजनेस, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या होते हैं? बिजनेस के ओनर होते हैं। लेकिन जो हमारे लेबर होते हैं वो बिजनेस के ओनर नहीं होके एम्प्लॉय होते हैं, ठीक, क्योंकि वो बिजनेस के लिए काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिस्क। ही टेक ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं वो एंटरप्रेन्योर ही बियर करता है। ही इज़ नॉट कंसर्न्ड एट ऑल विद द रिस्क ऑफ द बिजनेस। लेकिन एम्प्लॉय को रिस्क से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो ओनर नहीं होता है, वो उस बिजनेस का एम्प्लॉय होता है। तो जितने भी रिस्क होंगे वो एंटरप्रेन्योर के द्वारा बियर किए जाएंगे। नेक्स्ट है रिवॉर्ड। ही गेट्स प्रॉफिट एज इज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड के बदले उसको क्या मिलता है? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, और जो हमारे लेबर हैं उनको रिवॉर्ड के बदले क्या मिलता है? वेजेस मिलती है। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड, हिज रिवॉर्ड इज़ नॉट सर्टेन। जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं उनका रिवॉर्ड सर्टेन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका रिवॉर्ड फिक्स नहीं होता है कि उनको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो हमारे लेबर हैं उनका रिवॉर्ड क्या होता है? सर्टेन होता है, फिक्स होता है। भले ही कंपनी को लॉस क्यों ना हो, लेकिन कंपनी अपने लेबर को वेजेस देती ही देती है। नेक्स्ट है रिसिप्ट रिवॉर्ड। ही रिसीव हिज रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब जब पूरा फाइनेंशियल पीरियड जो एक साल का होता है जब वो ख़त्म हो जाता है, तो लास्ट में कंपनी को पता चलता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर कितना लॉस हुआ है। लेकिन जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे लेबर्स हैं, उनको हर मंथ रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि उनको रिवॉर्ड के रूप में जो वेजेस मिलता है वो हर मंथ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोबिलिटी। ही हैज़ लेस मोबिलिटी देन लेबर, ही हैज़ मोर मोबिलिटी देन एंटरप्रेन्योर। जो देखिए लेबर, जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी मोबिलिटी क्या कम होती है अगर आप लेबर से कंपेयर करो तो, और जो लेबर हैं उनकी मोबिलिटी क्या ज़्यादा होती है अगर आप एंटरप्रेन्योर से कंपेरिजन करो तो। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।